हेलो गाइस, रॉन्ग क्लब ब्लॉग्स में फिर से स्वागत है आप सभी जनों का और सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज का ब्लॉग यार समोसे के ऊपर है। तो समोसे आपको पहले मैंने दिखाए थे वैटी वाले जो 70 प्रकार के थे, बट उसमें यार वो बहुत महंगे थे, 80 के थे, 90 के ऐसे बहुत महंगे थे। आज मैं जा रहा हूँ मोती नगर पूरी फैमिली के साथ, तो मेरे पापा और मम्मी एक साथ ही, पापा ये रहे मेरे, हेलो पापा। तो मम्मी मेरे पीछे बैठी है, हाय मम्मी। तो पापा मम्मी से पहले वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके मैं आपको मतलब मैक्सिमम जो वहाँ पे मिलते हैं समोसे ना वो 20 से स्टार्ट होते हैं एंड 30 तक खत्म होते हैं, बस ऐसे। तो मैं आपको पहले शॉप पे जाते हैं मोती नगर, फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं लोकेशन क्या है और आपको कैसे जाना है वहाँ पे, पहुँचेंगे कैसे और कौन सा स्टेशन पास है आपके लिए, तो आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और लोकेशन पहुँचते हैं गाइस। भाई क्या गाड़ी को पीकदान बना रखा है, ये पूरा पीका हुआ है। A few moments later. A few moments later. हेलो गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूं लोकेशन पे। जो यार मैं पहले अंकल से मिलवा नहीं पाया क्योंकि अंकल के भाई इंटरव्यू बहुत सारे हो चुके हैं। तो ये जो शॉप है, शॉप का जो नेम है कुमार समोसे वाला, जैसे आप दुकान देख रहे हो। और यार मैंने लिया है चॉकलेट समोसा और यहाँ पे और भी समोसे लिए मैंने 3-4। तो पहले चॉकलेट समोसा खोल के देखते हैं ये कैसे होता है, अंदर खोल के कैसे दिखता है। ओ, ये कुछ ऐसे दिखता है चॉकलेट समोसा और ठंडा है ये अभी। एक बार मैं इसको तोड़ के देखता हूँ फीलिंग कैसी है इसकी, देखो फीलिंग बहुत अच्छी है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। अच्छा चौबीस समोसा है। और मैं दूसरे ट्राई करता हूँ, दूसरे कौन कौन से मेरे पास, ये चौबीस समोसा मेरे लिए, ये ठंडा ही होता है चौबीस समोसा। अब मैं दूसरे समोसे में जा रहा हूँ, ये कौन से समोसा मुझे पता नहीं है अभी क्योंकि सास में एक जैसी ही है। ये है मलाई समोसा, मलाई पनीर समोसा है ये, तो अच्छा है ये भी। तो मेरे पास एक बार टेस्ट, ये फीलिंग देखो फीलिंग कितनी अच्छी है इसकी, एक बार टेस्ट कर लेता हूँ इसको भी कैसा है ये। अच्छी फीलिंग है मलाई, मतलब क्रीम डाल के भी बना रखे ना तो वो उसका स्वाद आ रहा है पनीर, वो अच्छा ही है। तीसरा कौन सा मुझे पता नहीं है। ये है तंदूरी पिज्जा समोसा, अब फीलिंग देख लो उसकी ऐसी है। और लास्ट है हमारा ये भाई ऑलरेडी पिज्जा समोसा, जो आप लोग आपकी वो डिमांड होती है पिज्जा समोसा की, इनकी फीलिंग तो कितनी अच्छी है ना, कॉर्न बॉर्न भी डाल रखा है, गाजर है, शिमला मिर्च है, हर चीज है। और तो ये मम्मी ट्राई करेगी, हम देखते हैं कौन ट्राई करता है इसको, ठीक है। और बाकी चटनी है, ये आपको चटनी देंगे। और इनकी जो रेंज स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 15 से लेकर 30 तक। हाँ, जो चॉकलेट समोसा है वो 40 रुपये का मिलेगा आपको, क्योंकि चॉकलेट की आपने फीलिंग देखी है, ऊपर भी है और अंदर भी फीलिंग है, तो ये आपको 40 का मिलेगा, ठीक है। और समोसा ही बड़ा भी होता है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब आ रहा है ऐसे लाल कलर का बटन, जैसे ये लाल कलर ये है ना, जैसे लाल कलर का बटन आ रहा होगा उसको दबा दो, और ऐसे घंटा आ रहा होगा उसको भी दबा दो। तो अभी आप सोचोगे वीडियो खत्म होगी, वीडियो खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं इसके बाद जा रहा हूँ बसंत गुंज के मॉल, वो बहुत अच्छा सजा होगा। तो आपको अंदर एमबीएस मॉल है बसंत गुंज का, तो आपको उस मॉल के थोड़े स्नैडिक शॉट्स इन्जॉय करूंगा। तो पहले आप यहाँ के स्नैडिक शॉट्स इन्जॉय करो, फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, ठीक है। मैंने दो समोसे और लिए थे, क्योंकि मुझे समोसे इतने अच्छे लगे, कुमार समोसे हमको जो शॉप है वो समोसे मुझे इतने अच्छे लगे, दो समोसे और लिए। ये दो समोसे ये रहे, जब देख रहे हो इसमें से एक है मंचूरियन, मंचूरियन समोसा, वेज मंचूरियन समोसा, और जो दूसरा समोसा है वो है पनीर भुजिया समोसा। तो खोल के देख लो कौन सा है, क्योंकि दोनों समोसे एक जैसे ही लग रहे हैं। और बड़ा देखो कितना है, देखो कितना बड़ा समोसा है इनका, एक समोसा ही। यह पनीर पनीर का समोसा है, जो पनीर कीमा पनीर बने बेस्ट कीमा पनीर, तो ये मम्मी का ही मेरा नहीं है। बाकी ये है मेरा समोसा जो है मंचूरियन होगा, ये रहा मंचूरियन समोसा, पीने दो कितने अच्छे लगे, ये रहा टेस्ट करके देखते कैसा है ये। जब मंचूरियन खाते ना नूडल में डाल के नहीं तो वही आ रही, बट थोड़ा क्रंची बना है, क्योंकि ये समोसा ही अंदर बना है, इसलिए समोसा बहुत अच्छा है। और जो शॉप है वो नई मोती नगर मिलती है, और उसका एड्रेस नंबर अंकल का वो डाल दूंगा। बाकी जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें बोर्ड में बने, तो बोर्ड के जो नंबर है वो भी सारे लिए लिए, आप उनके फ़ोन करके कर सकते हो अगर आप जाते हो वहाँ पे। और अगर पैसे आप कैश नहीं पेटीएम करना है तो पेटीएम भी कर लो, पेटीएम नंबर दे रखा है तो आप पेटीएम भी कर सकते हो वहाँ से। और उनके समोसे मैक्सिमम 28-25 वैरायटी के समोसे हैं, बाकी उनके सिर्फ वेज समोसे मिलते हैं, नॉन वेज नहीं मिलते हैं। अगर नॉन वेज खाने आपको, तो मैंने आपको वैरायटी के समोसे आप उस पर जाके देख सकते हो, उसमें आपको सारे नॉन वेज मिलेंगे आपको, यहाँ पर सारे वेज मिलते हैं, वेज भी बहुत अच्छे हैं। तो ट्राई ज़रूर करना जाकर, और मिलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वसंत कुंज मॉल में, जा रहा हूँ जो एमबीएस मॉल है, तो वहाँ जा रहा हूँ। अभी मैं आया था सोजर मार्केट, तो मेरे कुछ काम थे इस वजह से आया था, तो अभी पहले मॉल चलते हैं और मॉल में आके मिलते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में आपसे। A few moments later. कैसे लगे कमेंट करके बताना है यार। और आप लोग के लिए मैं समोसे की वीडियो नहीं, तो उनके पास जो समोसे मिलते हो 15 से लेकर 20-30 तक मिलते हैं समोसे, और अगर चौड़े समोसा लेना है वो 40 का मिलता है, क्योंकि यार चौड़े समोसा बहुत अच्छा था जब मैंने खाया था। तो मैं रिव्यू में बताया, रिव्यूज में 10 में 10 दूंगा, क्योंकि यार उसमें जो उनकी फीलिंग ऊपर समोसे की भी थी, अंदर से उन्होंने ड्राई फ्रूट भी डाल रखे थे, काजू था, किशमिश थी, बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाल रखे थे। और खाना ज़रूर जाकर, बाकी जो शॉप है वो न्यू मोती नगर में मिलेगी आपको, अगर आपको एड्रेस नहीं तो मैं एड्रेस लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख लेना कहाँ है वो शॉप। और एक जो मैं अंकल जी का नंबर भी डाल दूंगा, अंकल जी का नंबर देख लेना, वहाँ पर शॉप पर आपको अंकल या आंटी मिला करेंगे। और
हाँ तो एक चीज़ और क्या कहते हैं, मेरी बहन की नई मूवी आई है जो नेटफ्लिक्स पे आई है और मेरी सिस्टर ने उसमें काम किया है, छोटा सा उसका रोल वोल है उसके अंदर। और तो मैक्सिमम अगर आपको फिल्म देखनी है उसकी तो नेटफ्लिक्स डाउनलोड करो। नेटफ्लिक्स में जाकर मैं कोई नेटफ्लिक्स को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ नेटफ्लिक्स में जाकर एक फिल्म आई है घोस्ट स्टोरी के नाम से। अगर जो लोग देखते हो नेटफ्लिक्स उनको पता ही होगा यार घोस्ट स्टोरी एक जस्ट कल एक जनवरी आई थी और आज 2 जनवरी है तो कल आई थी वो वीडियो, कल एट 12 बजे कल फिल्म आई थी वो। और अगर आपको फिल्म देखनी, फिल्म आ चुकी जाकर देखो नेटफ्लिक्स में जाकर डाउनलोड करो ऐप को और वीडियो फिल्म देखो और बताओ कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट करके बता देना। अगर आपको मेरी बहन की पिक्चर देखनी है तो स्टोरी भी देखना इंस्टा की, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँगा उसके बाद डायरेक्ट मैं इंस्टा व्यू में अपनी बहन की स्टोरी डालूंगा, उसमें पढ़ लेना क्या क्या है। उसका नाम है ईवा परदेश के नाम से। और बहन अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो और भाई आपके लिए सिर्फ एक गुड न्यूज़ है, आपकी फिल्म बहुत अच्छी है और ऐसे ही आप काम करते रहो अपनी वीडियो में और ऐसे ही मोम डैड का नाम रोशन करते रहो बस। और बहुत जल्द आप आओ दिल्ली, मैं आपसे मिलूँगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी जनों से। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके प्लीज़ बताना भाई आप लोग बताना। और कल थी 1 जनवरी, आज 2 जनवरी, तो मज़ा आने वाला है क्योंकि जो नेक्स्ट लोग अब आएंगे ना वो तो हटकर आने वाले हैं। अब किस किस के साथ आएंगे वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय टू ऑल। हाँ तो गाइज मैं एक चीज़ बोलना भूल गया यार, मैं सबसे पहले अपडेट इंस्टा पे दे देता हूँ। अगर मेरी किसको इंस्टा आई डी नहीं पता तो इधर पेपर आ रहा होगा, मेरा इंस्टा पेज आ रहा होगा, तो उस इंस्टा पेज को फॉलो कर जाकर यार रौनक 72 डाल देना, मैं आ जाऊँगा उसमें, मुझे फॉलो करो इंस्टा पे। और ज़्यादा मैं अपडेट इंस्टा पे दे देता हूँ, इंस्टा पे कर लो फॉलो। और सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा रेड कलर का यहाँ पर बड़ा सा लंबा सा, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और घंटा आ रहा होगा, घंटा भी दबा दो यार, क्योंकि अगर घंटा नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, तो जाओ नोटिफिकेशन दबाओ जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस बाय।